Happy birthday, dear Tommy. Happy birthday to you. सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है सोनी नेगी। आज की मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों आज है 9 अगस्त। 9 अगस्त को है मेरा बर्थडे, तो थोड़ी देर में बर्थडे की सजावट करूंगी मैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, आप सबने मुझे मेरा बर्थडे विश किया इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, व्हाट्सअप और यूट्यूब के माध्यम से। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। तो जिनका मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं कर पाई उनके लिए भी सॉरी। तो दोस्तों आज मैं बाहर ही पे करूँगी सजावट बरामदे में, क्योंकि अंदर उतनी जगह है नहीं। मैंने सोचा क्यों ना इस बार बाहर ही पे करूँ सजावट वगैरह जो भी है। तो आपको एक बार मैं बाहर दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ के सारे ना जूते चप्पल वॉशिंग मशीन वगैरह समेट के रख दिया है, ताकि मुझे सजावट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों अभी मैंने अपने बरामदे में ना पानी डाल रखा ताकि बरामदा साफ हो जाए। तो आज मैं यहीं पे करने वाली हूँ डेकोरेट, देखते हैं कि क्या क्या होता, क्योंकि ये जगह मुझे ना बेस्ट लगी यहाँ से और वहाँ तक खुली खुली है। आज मेरा किचन ऐसे भरा भरा सा है ना, वॉशिंग मशीन सब अंदर रख दी मैंने और यहाँ पे खाली खाली सा। आज का मौसम सुबह बारिश हुई हल्की हल्की और अभी थोड़ा बहुत धूप लगी है, कुछ इस प्रकार से था आज का मौसम। मैंने देखो मुँह तक नहीं धुला अभी सुबह से, मुँह तो वैसे धुल रखा बट मांग बिंदी वगैरह नहीं भर रखी। नहाई थी मैं थोड़ी देर पहले और उसके बाद जाना है मुझे चंबा केक वगैरह लाने के लिए। तो स्वामी जी भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो मैं जाऊंगी थोड़ी देर में चंबा केक वगैरह लाने के लिए। और क्या पता मेरी बहन भी आ सकती है बर्थडे में। दोस्तों यहाँ पे आयशा भी आ गई है बर्थडे के लिए। तो अभी मैं और आयशा जा रहे चंबा मार्केट में, कुछ सामान लेना था हमें। क्या सामान लाना? बर्थडे का सामान। हाँ जो भी होता है बर्थडे का सामान, उसको लाने के लिए जा रही मैं और आयशा। आपको पता है हम दोनों बहनों में क्या होता, ये तुरंत ना ये शर्ट पहन के आई इधर, मैंने बोला इसको उतार मैं पहन रही, तो एक्सचेंज एक्सचेंज कर दिए हमने। हमारी तरह कोई और करता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो लगभग सभी करते हैं बट जो ज़्यादा ही करता वो कमेंट करते ज़रूर बताना न। ये देखो दोस्तों ये कैसी गोरी लग रही सफेद। बट मैं काली हूँ यार। नहीं मैं गोरी हो गई हूँ ना आजकल मैं। अच्छा बट इसने थोड़ा सा क्रीम भी लगा रखा ना, वो ज़्यादा चमक रहा है इसके मुंह पे, ज़्यादा शाइनिंग मार रहा। शाइनिंग नहीं बोलते हाँ, ज़्यादा ग्लो कर रहा। हाँ और ऐसा आ रखे चंबा मार्केट में अपने लिए केक लाने के लिए, अपने बर्थडे पार्टी ना खुद ही ले जा रही है, मतलब खुद ही केक ले जा रही यार। वैसे मेरे भी कोई बहन तो वो केक लाती पर एक ऐसे बहन है दोस्तों। आई लव चंबा वहाँ पे था और वहाँ से निकाल के यहाँ पे ला गए, ये देखो। और यहाँ पे सही है फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए, और उस साइड सही नहीं हो रहा था। मैं आ रही थी चंबा से केक ला के घर, और ये देखो मेरे पास इतना बड़ा पत्थर। अब पत्थर पता है मैंने क्यों उठा रखा, क्योंकि यहाँ से बंदर खाने के लिए आ रखे, मतलब आ रहे बंदर खाने के लिए, उन पे मारने के लिए मैंने पत्थर। हो गया इसकी मार इसकी। जैसे जैसे ना घर की ओर आ रहे हमें मिल रहे रास्ते में बहुत सारे बंदर, जो कि खाने के लिए आ रहे हमें। बट मेरे पास इतना बड़ा पत्थर था, मैंने पत्थर की मार दिया। और अगर ना ये देखो गाई जी है क्या बोलते केक का थैला, अगर आप चाहो तो इससे पर्स भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे कैसे भी करके पोज दे सकते हो इस थैले में ना। अरे कुछ कुछ करते नहीं है थैला रहता है ना पास। देखिए बहुत सारे यार, वो गर्मी हो रही ना उमस। हाँ हमारी सजावट कुछ इस तरीके से हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरी बहन सजा रही। ये देखो वाइट वाले गुब्बारे कैसे लग रहे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ वैसे तो ये क्या बोलते ब्राउन कलर के थे ना ये वाले, ग्रे। हाँ और वाइट हो गए यहाँ लगाते लगाते, अगर इनकी जगह पे रेड रहता तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगना था। पर जो भी ऐसे ही है, साड़ी पहन के तैयार
अभी हुई नहीं, थोड़ा बहुत हो गई हूँ और अब काटूंगी थोड़ी देर में बर्थडे केक। और वैसे भी आज मैंने साड़ी पहन रखी, सूट पहनने का मेरा मन नहीं था, मेरा मन था वन पीस पहनने का, बट क्या करें टाइम पे आया नहीं तो मुझे साड़ी पहननी पड़ी। तो साड़ी पहनना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आज मैंने साड़ी पहन दी। और यहाँ पे इस पे देखो, इस पे देखो यहाँ डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। पार्टी भी हो गई खत्म और यहाँ पे ना अब हमें झाड़ू वगैरह मारना है। यहाँ पे ऐसा लगी है सफाई करने पे, मैं करूँगी इस साइड से। यहाँ देखो मैंने कैसे फैला रखा, और उस साइड से है मेरे गिफ्ट वगैरह जिनको मैं बाद में खोलूंगी क्या क्या दे रखे किसी ने। ये सारे गिफ्ट ना मैंने यहाँ पे खोल के रखे हैं, और एक गिफ्ट और है जो मैंने मुझे मेरे स्वामी जी ने दिया, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट है वो। तो अब बारी है खाना बनाने की, जल्दी से खाना बनाती हूँ। आज का बर्थडे वीडियो यहीं तक था, थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे मेरा बन चुका है मटर पनीर। आय हाय, पता नहीं कैमरे में क्यों नहीं आता वो, क्या बोलते कलर। और इसने करना था स्कूल का काम। मन नहीं कर रहा, क्यों पाँव में दर्द क्यों हो रहा? सुबह से दोस्तों सुबह से व्यस्त थी मैं दिन भर में, अब जाके थोड़ा सा फ्री हुई। खाना भी बना दिया है मैंने, और खाने में है आज पनीर रोटी। और यहाँ पे ये देखो हमारे एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ऐसे ही पड़ रखी, और कुछ समोसे वगैरह हैं इस पेटी में।